अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं रुबीना अंसारी किचन में वेलकम रमज़ान सीरीज़ में दही बड़ों का मसाला तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून ही साबुत मिर्चों को ड्राई रोस्ट करूँगी। फ्लेम लो है, लो फ्लेम पे वैसे 1 से 1.5 मिनट तक चलाते हुए अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करूँगी, और बहुत एहतियात, फ्लेम ज़्यादा ना हो ताकि ये जल ना जाए। अगर ये जल जाएंगे तो फिर कड़वा हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसे एक साइड पर निकाल कर रख रही हूँ। फ्राई पैन अभी गर्म ही है, इसमें मैं 1 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टेबल स्पून काला ज़ीरा और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। ये भी मैं रोस्ट करूँगी। ये खुशबू आने लगी है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। फ्लेम मैं ऑफ़ कर रही हूँ, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। व्यूअर्स, मसाला ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे ग्राइंड करने की तैयारी कर रही हूँ। चेक करते हैं, देखिए बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ गया है, मोटा मोटा सा है, दरदरा सा। अब मैं इसमें 1 टीस्पून टेबल सॉल्ट और 1 ही टीस्पून पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मैं इसे एयर टाइट जार में डालूँगी और डाल के हम इसमें रखते हैं। फिर व्यूअर्स, ये मैंने आपके लिए दही बड़ा मसाला तैयार कर दिया है। इसे आप दही बड़ों पे छिड़क कर बहुत ही मज़े से खाइए। बहुत स्पाइसी, बहुत ज़्यादा खुशबूदार है। इसे आप एयर टाइट जार में रखकर 1 से 2 महीने तक बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दही बड़े मसाले की रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।